नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, न्यूजीलैंड टूर ऑफ स्कॉटलैंड 2022 यानी कि न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड के दौरे पे गई है और वहां पे दो T20 मैच होने वाली है। इन मैचों के जो मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें दिख रही है, मैं उसको आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से टीम्स को बनानी चाहिए, किस तरीके से टीम का क्रिएशन होना चाहिए और कौन सी टीम फॉर्म में है, कौन सी टीम फॉर्म में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर लेते हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं बेहतर से बेहतर टीम लाइनअप्स के बाद आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो मैच होने वाली है, ये है ग्रैंज क्रिकेट क्लब एडिनबर्ग। एडिनबर्ग में ये मैच होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 11 मैच खेले जा चुके हैं। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 मैच जीती है और बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 मैच जीती है। यहाँ की जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है मेरे फ्रेंड्स, वो है 161 और जो सेकेंड इनिंग स्कोर है 141। तो आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना आसान नहीं है, यानी कि चेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए, यहाँ पर जो हाईएस्ट टोटल रिकॉर्डेड है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 210 20 ओवर में बनाया गया है, अफगानिस्तान ने बनाया था और स्कॉटलैंड की टीम है। यहाँ पर फिर 82, फिर यहाँ पर देखिए 180 रन हाईएस्ट स्कोर टोटल हुआ था, जिसको चेस भी किया गया है और यहाँ पर लोएस्ट स्कोर डिफेंडेड है 136। दोस्तों, ये सारे के सारे मैच स्कॉटलैंड हार चुकी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कॉटलैंड कैसी टीम है। मैं अब आपको टीम की न्यूज बताने जा रहा हूं कि टीम की न्यूज क्या है। दोस्तों, ये है टीम न्यूज न्यूजीलैंड। मैं यहां पे हिंदी में लिखा हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो और आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाए। ये मेरा एनालिसिस है, मैंने अपने तरीके से जो चीजें मुझे लगी हैं वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। दोस्तों, यहां पर मैंने साफ तौर पर लिखा है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी अभी आयरलैंड से सीरीज जीतकर स्कॉटलैंड आई है, तो न्यूजीलैंड टीम मानसिक तौर पर बहुत मजबूत है। इनकी बॉलिंग अटैक भी बहुत खतरनाक है। इस परिस्थिति में न्यूजीलैंड की जीतने की संभावना सबसे अधिक है। अब हम बात करते हैं टीम न्यूज स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की टीम हाल ही में ODI सीरीज जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई दिख रही है। फिर भी अगर इनकी तुलना न्यूजीलैंड से की जाए तो ये लोग मानसिक तौर पर नर्वस दिखाई देंगे। मेरे फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड के आगे स्कॉटलैंड नर्वस दिखाई देगी, इस बात को आप नोट कर लेना। फिलहाल T20 के नजरिए से देखा जाए तो स्कॉटलैंड औसत से नीचे की टीम मानी जाएगी और ऐसी परिस्थिति में इनके जीतने की संभावना बहुत कम है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब स्कॉटलैंड बैटिंग करने आएगी और जब न्यूजीलैंड के बॉलर बॉलिंग करेंगे, तब स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स होंगे ना, वो नर्वस होंगे और उनके विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना हो। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप। दोस्तों, न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप ये है और आप इन सब के बारे में सारा डिटेल जानते हैं। बस मैं आपको वर्बली आपको चीजें बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बट मैं ये सारी चीजें बताता नहीं हूँ। आप मेरे सारे वीडियोज में देखोगे तो मैं ऐसे ही करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मार्टिन गुप्टिल, फिन एलन, डी क्लेवर, ग्लेन फिलिप्स, डेरी मिशेल, जेम्स निशम, एम ब्रैसवेल, एम सेंटनर और इस शोडी, लोकी फर्गुसन, जैकब डफी, यहाँ पे बिल टिकनर को भी ऐड किया जा सकता है किसी एक को रिमूव करके। इसी तरीके से दोस्तों, स्कॉटलैंड की बैटिंग लाइनअप जो है वो है के कोएटजर, एम क्रॉस, सी मैकलोएड, आर बैरिंगटन एंड जी मुनसे। दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग के टॉप के मेरे फ्रेंड्स, ये जो टॉप है ये राइट हैंड बैट्समैन है सारे के सारे। यहाँ पे जज मुनसे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, एम लिस्क राइट हैंड बैट्समैन है एंड ऑफ स्पिनर है, ऑफ ब्रेक है। मार्क वाट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्पिनर है। सफियान शरीफ राइट आर्म फास्ट बॉलर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, ये है गेविन मेन, एड्रेन नील एंड हमजा ताहिर। दोस्तों, LAO का मतलब होता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये दो दोस्तों ध्यान रखना, ये ऑफ स्पिनर हो गए और ये हो गए राइट आर्म फास्ट बॉलर। तो ये है इनकी स्कॉटलैंड की बैटिंग लाइनअप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्कॉटलैंड की प्राइम प्लेयर्स, मेरे अकॉर्डिंग मेरे फ्रेंड्स, स्कॉटलैंड की प्राइम प्लेयर्स कौन कौन से हैं। पहले आते हैं जी मुनसे, एम लिस्क, मार्क वाट, सफियान शरीफ एंड सी ग्रिप्स। सी ग्रिप्स को भी खिलाया जा सकता है, ये खेलेंगे।
दोस्तों ये आपके ट्रंप प्लेयर रहेंगे और आप कोशिश करना मेरे फ्रेंड्स कि इन लोगों को टीम में जरूर रखना। इनमें से पांच प्लेयर मेरे फ्रेंड्स, पांच प्लेयर आपको हर हाल में इनमें से रखना है। छह मतलब कि अगर आप टीम बना रहे हैं तो पांच प्लेयर रखना है स्कॉटलैंड से, कम से चार तो कम से कम होते हैं लेकिन पांच प्लेयर आप रखना, आपको रखना पड़ेगा पांच प्लेयर स्कॉटलैंड से और छह प्लेयर न्यूजीलैंड से, तो आपकी टीम बेहतर रैंक करेगी। अब हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की प्राइम प्लेयर्स, उसमें है पहले नंबर पे मार्टिन गुप्टिल, डी क्लेवर, ग्लेन फिलिप्स, जेम निशम्स, इशोरी, लोकी फर्गुसन, बी टिकनर। आप इसमें से यहां पे देखिए, मैंने यहां पे चार और तीन सात प्लेयर रखा है, आप इसमें से दो प्लेयर्स को रोटेट कर सकते हैं। कौन कौन से वो दो प्लेयर हैं जिनको आप रोटेट करेंगे? पहले नंबर पे आते हैं डी क्लेवर और दूसरे नंबर पे आते हैं जेम्स निशम। इन लोगों को, इन दोनों को रोटेट कीजिएगा, जैसे डी क्लेवर है तो इनको रोटेट कीजिएगा जैकब डफी से और जेम्स निशम को रोटेट कीजिएगा ब्रैसवेल से। तो इस तरीके से टीम की रोटेशन आपको तैयार करनी पड़ेगी, या फिर इन लोगों को हटा के स्कॉटलैंड के प्लेयर को आप रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं और दिखाता हूं कि हमें टीम किस तरीके से बनानी है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे लिखा है, अगर आप 20 टीम मेरे फ्रेंड्स, अगर आप 20 टीम तैयार कर रहे हैं तो पहली पांच टीम में आपको पांच बॉलर, दो ऑलराउंडर, तीन बैट्समैन और एक विकेट कीपर के साथ जाना है। वैसे आप इस तरीके से कम 12 टीम बना सकते हैं जिसमें बॉलरों की संख्या ज्यादा हो, पांच बॉलर, दो ऑलराउंडर, तीन बैट्समैन, एक विकेट कीपर, बाकी के 15 टीम में आप रोटेट करते रहना, उस तरीके से टीम आपकी सारी क्रिएट हो जाएगी। अब मेरे फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आप टीम तैयार कर रहे हैं, पांच टीम, पांच बॉलर, दो ऑलराउंडर, तीन बैट्समैन, एक विकेट कीपर, मैंने इस पे ना एक वीडियो बनाई हुई कि आपको किस तरीके से प्लेयर्स को रोटेट करना है। मैंने जो वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि एक एक दो दो प्लेयर को रोटेट करना है और रोटेट करते हुए आपको टीम की फाउंडेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पांच बॉलर को रखना ही रखना है। इसमें क्या होगा कि अगर पहले मेरे फ्रेंड्स, अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करती है तो रन बनने के चांसेस ज्यादा रन नहीं बनेंगे, मेरे ख्याल से 140 रन तक बना पाएंगे, इससे ऊपर नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो रन जो है 170 से 180 के बीच जा सकता है। अब उस केस में अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो आपको क्या करना है कि स्कॉटलैंड के बॉलर्स की संख्या ज्यादा कर देनी, यानी कि बॉलर को रख देना है, बैट्समैन को हटा देना है, चार बॉलर को रखिए, दो ऑलराउंडर, दो बॉलर, दो ऑलराउंडर, दो बॉलर और बैट्समैन को रिमूव कर दीजिए। और अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करती है तो आपको तीन बैट्समैन स्कॉटलैंड के रखने हैं, जिसमें से दो मेन बैटर होंगे और एक ऑलराउंडर होगा और एक बॉलर होगा, और बाकी के प्लेयर्स को आप न्यूजीलैंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इस तरीके से मेरे फ्रेंड्स आप टीम बनाइएगा। मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा टीम के क्रिएशन, टीम के फाउंडेशन के ऊपर, कि कौन सी टीम, कौन से प्लेयर को किस तरीके से रखना है। ये फिलहाल मेरी टीम न्यूज थी जो आपको बतानी थी कि इस तरीके से टीम की फॉर्मेशन करनी चाहिए, आपको टीम बनानी चाहिए। ग्रैंड लीग में नंबर वन पोजीशन पे आने के लिए थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊंगा मैच के दिन, जिस दिन मैच होगा उस दिन आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको प्लेयर को चेंज करना है। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो और हम ग्रैंड लीग जीत सके और सभी लोग जीतेंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।